वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आज आपको पता है, हम फाइनली आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस इज द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जो कि सारे बच्चों को जिसकी सबसे ज्यादा इंतजार होती है कि सर रोटेशनल कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे सर फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर रोटेशनल मोशन। सबसे पहले तो मैं ये मिसनोमर आपके दिमाग से निकाल दूं कि ये फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर है। बच्चों, ये फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर है। अब आपको लगेगा कि सर आप ये जानबूझकर बोल रहे हो कि रोटेशनल मैकेनिक्स फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर है ताकि हमें फील ना हो, है ना। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। अगर टफ होता ना, मैं बोल देता कि बेटा ये टफ है, इसमें आपको थोड़ी मुश्किलें होंगी चीजों को सीखने में, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। एंड उसके उसका दो रीजन है मुश्किल ना होने का। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इजिएस्ट। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? Easiest. ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि रोटेशनल मैकेनिक्स में वही कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं जो अभी तक आप सिंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेके सेंटर ऑफ मास तक पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें बहुत ही कम नई चीजें मिलेंगी आपको। मोस्टली जो इसकी क्रक्स है, जो कोर है रोटेशनल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट की, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेंटर ऑफ मास तक, तो हम लोग वही यूज करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आई विल टीच यू फ्रॉम बेसिक्स, और उसके बाद मैं बेसिक से आपको जेई एडवांस तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे हवा में नहीं उड़ने वाला इस चैप्टर को लेकर कि मैंने शुरू में ही ऐसे कंसेप्ट आप पर फेंक दिए जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं या फिर आपको जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, इस चैनल पर सारी बातें बेसिक से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं जेई एडवांस लेवल तक है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम आराम से जितने भी लेक्चर मुझे क्यों ना लेने पड़ जाए रोटेशनल मैकेनिक्स के, मैं इसमें रश नहीं करने वाला, जैसा मैंने कभी भी किसी चैप्टर में नहीं किया। उसी तरीके से इसमें भी मैं कोई रश नहीं करूंगा, आराम आराम से एक एक कंसेप्ट आज प्यार से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ताकि सब कुछ आपको सोचने का भी समय मिले और आपके दिमाग में आसानी से बैठता भी जाए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन और टॉर्क का बेसिक, यानी मैं टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा और एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे इससे, ठीक है। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैकेनिक्स के, जिसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर कुछ टीचर्स इसको रोटेशनल डायनामिक्स कहते हैं, कुछ टीचर इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो बेटा सब नाम एक ही है, जो भी बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट अ सर्टेन एक्सिस इज डूइंग रोटेशनल मोशन, उसी की मैकेनिक्स को हम रोटेशनल मैकेनिक्स कहते हैं और उसी के डायनामिक्स को हम रोटेशनल डायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं। बट द पॉइंट हियर इज कि रोटेशनल मोशन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है या प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई बॉडी, देखो बच्चों का सबसे पहले मिसनोमर क्या होती है, मिसकंसेप्शन क्या होती है, कि उनको लगता है कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यानी रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर कोई बॉडी मान लो कर्व में मोशन कर रहा हो इस तरीके से, ठीक है, कर्व सरफेस पे कोई बॉडी मोशन कर रहा हो, मैं इसमें भी प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है, इसमें भी प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है, पॉसिबल है। कैसे सर? बताता हूँ। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी प्योर ट्रांसलेशन करे उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर वन, क्राइटेरिया नंबर वन कि अगर किसी बॉडी को हम कह रहे हैं कि वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी यानी डेल्टा आर वो सेम होनी चाहिए। किसकी? उस बॉडी के हर एक पॉइंट की। मान लो जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो इस बॉडी के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, यानी ये वाला पॉइंट जितने डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ा उतना ही सेम डिस्प्लेसमेंट से ये वाला पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, ये वाला पॉइंट भी बढ़ना चाहिए और ये वाला पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। यानी कुछ ऐसा ना हो कि बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग डिस्प्लेस करें, नहीं, बॉडी के सारे पॉइंट सेम अमाउंट से डिस्प्लेस करने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, कि डेल्टा आर शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट।
फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है और आप ये डायग्राम से भी समझ जाओगे। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, वी शुड ऑल्सो बी सेम। और मैं डेल्टा वी क्यों लिख रहा हूं, लेट अस राइट इट एज वी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो भी सेम होनी चाहिए, यानी जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए, वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए, वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगेन ये सेम सिमिलर कंसेप्ट यहां पर लगता है सेकेंड क्राइटेरिया में भी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम अमाउंट होनी चाहिए उसकी। यानी अगर एक पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है तो उसी बॉडी का दूसरा पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वो 3 या 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ने लग जाए, नहीं। ठीक है, वेलोसिटी शुड ऑल्सो बी सेम थ्रू आउट द बॉडी। थर्ड, एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी सेम। एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी है उसका एक हिस्सा या एक पॉइंट या एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है तो दूसरा पॉइंट या दूसरा पार्टिकल उसी बॉडी का भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा या इससे कम क्वांटिटी से एक्सेलरेट करता है तो उसको हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया। तो 3 क्राइटेरिया क्या हुए, पहले तो पहले हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए थ्रू आउट दी बॉडी, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए थ्रू आउट दी बॉडी, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए थ्रू आउट दी बॉडी। नाउ फोर्थ एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जब वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी मोशन कर रहा होता है, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते हैं ना उसके मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कोऑर्डिनेट एक्सिसेस जो है, वो जो एक्स वाई और जेड एक्सिसेस हैं, उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस शुड नॉट चेंज देयर ओरिएंटेशन व्हाइल बॉडी इज अंडरगोइंग मोशन। समझ रहे हो इसका मतलब, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये मान लो भी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहां पर अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, यानी अगर ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसका थीटा चेंज नहीं होना चाहिए जब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा हो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 क्राइटेरियाज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करने के। ठीक है, मैं अगेन स्टार्ट से रिपीट कर रहा हूँ। पहले, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और चौथा, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग या रिस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी ओरिएंटेशन यानी अपने थीटा चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया हो गए प्योर ट्रांसलेशन के। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अभी इसी को कंपेयर करके मैं आपको समझाऊंगा कि प्योर रोटेशन क्या होता है। अभी इसी को कंपेयर करके मैं आपको समझाऊंगा कि प्योर रोटेशन क्या होता है। देखो, प्योर रोटेशन को समझने के लिए ऐसे समझो, ये एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ये एक क्रिकेट बॉल है। अब इस क्रिकेट बॉल के जो बीच के हिस्से हैं, बीच का जो पॉइंट है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस क्रिकेट बॉल के बीच से ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ। अब देखो, ये जो लाइन है ये इस क्रिकेट बॉल के ठीक बीचों बीच जा रही है। ठीक है, अब इस क्रिकेट बॉल के कुछ पार्टिकल्स इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे, ऐसे इस क्रिकेट बॉल के कुछ पार्टिकल्स इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे, इस तरीके से, है ना, नीचे तो बॉल है ही नहीं।
सही है, ठीक है, इस लाइन पढ़ाई कर रहा हूं। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं क्रिकेट बॉल के, जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, जिस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, घबराओ मत। ये जो लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रहा है किसी बॉल के, क्रिकेट बॉल के, ठीक है, उस लाइन पर जो उस क्रिकेट बॉल के पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं इस क्रिकेट बॉल के, उनको छोड़कर बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं इस क्रिकेट बॉल के, वो सब अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हो, जैसे मान लो ये लाइन इस तरीके से रोटेट कर रहा है सर्कुलर, ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड है, उनको छोड़कर बाकी जो पार्टिकल्स या बाकी जो पॉइंट है उस क्रिकेट बॉल के, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे हो, वो सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे दैट दिस इज अ प्योर रोटेशनल मोशन, बट कुछ कंडीशन है, बट कुछ कंडीशन है। पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ जाओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमेशा हम प्योर रोटेशनल मोशन को या किसी भी रोटेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आपसे कोई कुछ बोलता है ना कि ये बॉडी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछो कि रोटेट कर रही है अबाउट विच एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, बिकॉज अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो रोटेशनल पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले डिफाइन करो, उस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है वो रेस्ट में रहेंगे, और उसके अलावा जो बॉल के पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करेंगे विद द सेम एंगुलर स्पीड। पहला क्राइटेरिया ध्यान से सुनना, विद द सेम एंगुलर स्पीड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज रोटेटिंग विद। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो कि इस क्रिकेट बॉल पे हैं, एक्सेप्ट दोज विच आर ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, और वो क्या होगी, उतनी ही होगी जितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन की है, और वो क्या होगी, उतनी ही होगी जितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ये है पहला क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरी चीज, रेडियस अलग अलग हो सकता है ना, सर्कुलर मोशन अगर ये कर रहे होंगे ये पार्टिकल्स, तो मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, उसका एक्सिस से जो दूरी है वो कम है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी रेडियस कम होगी, बट वही मान लो अगर ये पार्टिकल है, इसका रेडियस से सर्कुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये जब सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके सर्कुलर मोशन करने का जो सर्कल का रेडियस होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाला। तो ये भले हो सकता है कि हर एक पार्टिकल की रेडियस अलग अलग हो सर्कुलर मोशन की, ठीक है, बट एंगुलर वेलोसिटी विल डेफिनेटली बी सेम, एंगुलर वेलोसिटी विल डेफिनेटली बी सेम। ये आप लोग सबको समझ आया या नहीं आया, पहले जल्दी से बता दीजिए, ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज कि जिस प्लेन में ये अलग अलग पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होंगे, जैसे ये वाला पार्टिकल जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है, और इसके नीचे जो वाला पार्टिकल है जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ये प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे, ये प्लेन्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। प्लेन्स ऑफ ऑल दीज सर्कल्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी बॉल के हर एक पॉइंट में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वो जो सर्कल बना रहा होगा उसके ठीक नीचे वाला पॉइंट जो सर्कल बना रहा होगा, वो एक ही प्लेन में होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसा बता दिया डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई में तो मूव करेंगे, है ना। अब देखो, जो इन सेंटर होगा ये सर्कल्स का, ठीक है, जितने भी ये सर्कल्स हैं देख रहे हो, ये ऊपर वाला सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल, इन सब का सेंटर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ऑल दीज सर्कल्स विल लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मैं शॉर्ट में AOR बोल रहा हूँ, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस क्रिकेट बॉल के जो अलग अलग सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे विथ सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, उनके सर्कल का जो सेंटर होगा वो किस पे लाई करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। और जैसा मैंने बताया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल्स होंगे वो स्टेशनरी होंगे, ठीक है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन सारे, क्योंकि एंगुलर स्पीड सेम है, तो
एक पार्टिकल को अपना एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में जितना समय लगेगा, दूसरे पार्टिकल को भी उतना ही समय लगना चाहिए, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। यानी क्योंकि क्रिकेट बॉल के हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, तो उनको सर्कल कंप्लीट करने में सेम टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये चारों कॉमन सेंस है, बताओ है कि नहीं। ये जो चार मैंने आपको प्योर ट्रांस रोटेशनल मोशन के क्राइटेरियाज बताए, ये चारों क्या है? कॉमन सेंस है। एक बार इनको गो थ्रू करो, पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। ठीक है, आगे बढ़े, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोटेशनल मोशन क्यों कोई बहुत ही अलग और स्पेशल चैप्टर नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ओनली। आई टेल यू हाउ। देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, अंडर कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया करते थे, क्या करते थे हम लोग, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे, ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन में, वो क्या क्या करते थे हम लोग? प्योर ट्रांसलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या करते थे यूज? पहला, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या करते थे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और तीसरा क्या करते थे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज किया करते थे, किसमें? प्योर ट्रांसलेशन में, है ना। अब देखो प्योर रोटेशन में क्या करेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन में भी हम लोग सिमिलर या सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, बट जो वेलोसिटी है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी, वो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये वी हो गया ओमेगा, यू हो गया ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस ए हो गया, ए था लीनियर एक्सेलरेशन, तो रोटेशनल मोशन में वो बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एल्फा, और ये टाइम तो टाइम रहेगा। सेकेंड, यहाँ पर वी अगेन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन इज एल्फा, एस विल बी वॉट, जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, रोटेशनल मोशन में वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, तो उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते थे। ठीक है, अगेन एस इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो इक्वेशन हम लोग प्योर रोटेशनल में, प्योर ट्रांसलेशनल में यूज करते थे, वही इक्वेशन हम प्योर रोटेशनल मोशन में यूज कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, वी ओमेगा बन गया है, ए एल्फा बन गया है, एस थीटा बन गया है, बाकी कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सो रोटेशनल मोशन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी यूनिक ऑफ अ चैप्टर, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इन तीनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लेना, अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इन तीनों इक्वेशन को नोट डाउन। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। डिस्क की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब एक डिस्क रोटेट कर रहा है, पॉइंट ऑन द रिम मतलब होता है, रिम का मतलब होता है सर्कमफेरेंस। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आ रहा है रिम क्या है, तो रिम होता है सर्कमफेरेंस। जैसे ये डिस्क है, ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जो यहां पर पॉइंट होगा, ठीक है, इसकी लीनियर स्पीड पूछी जा रही है, ठीक है, इसकी लीनियर स्पीड पूछी जा रही है, और ये जो रेडियस है डिस्क का, इसके मिडिल पॉइंट पे जो होगा पार्टिकल,
उसकी लीनियर स्पीड पूछी जा रही है, ये दो की लीनियर स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। सबसे पहला पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा हमने पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, रेडियस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना गिवन है, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम मीटर में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200/100 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो पॉइंट ऑन द रिम क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों भैया, हमने रेडियस को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्क का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और पॉइंट ऑन द रिम मतलब सरकमफेरेंस पे डिस्क के, तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी ना। इसीलिए यहाँ पर रेडियस हमने 10 सेंटीमीटर लिया और ओमेगा तो गिवन है। दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस। अब मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 की जगह 5 डाल दो तो 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 20 रेडियन पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर × 20 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा 100/100 मीटर पर सेकेंड। क्यों 100 से डिवाइड किया, क्योंकि सेंटीमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट किया, ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो कि जो मिडिल पॉइंट में है डिस्क के, जो ऑब्जेक्ट, उसका लीनियर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और जो सर्कमफेरेंस पे है उसका लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो बोला था वेलोसिटी सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पे, हर पॉइंट और हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्या मैंने वेलोसिटी बोला था? नहीं, मैंने एंगुलर वेलोसिटी बोला था, ध्यान से देखो, ओमेगा बोला था। लीनियर वेलोसिटी की मैंने प्योर रोटेशन में बात ही नहीं करी थी, मैंने ओमेगा बोला था। ठीक है, और ओमेगा देख रहे हो तुम सेम है, रेडियन, 20 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज नॉट चेंजिंग, वी आर यूजिंग ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड फॉर मिडिल पॉइंट ऑल्सो एंड फॉर द सर्कमफेरेंस और रिम पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, इज जस्ट द लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट वॉज नॉट इन द क्राइटेरिया। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। आई होप ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, सेकेंड वन, अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एल्फा इज गिवेन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग। अब ये जो लाइन है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड आफ्टर डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग, इसका क्लियर मतलब है कि पहले डिस्क रेस्ट पे था, यानी यू वाज जीरो, ओमेगा नॉट वाज जीरो। ठीक है, तो डिस्क के रोटेट होने के बाद, डिस्क जब रोटेट होना शुरू हुआ उसके 1 सेकेंड के बाद हमसे रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ठीक है, ओमेगा नॉट जीरो है, ठीक है, ओमेगा तो अपने को निकालना ही है, ये 0 + α इज हाउ मच, 4। टाइम इज हाउ मच, टाइम कितना, आफ्टर 1 सेकेंड, तो ओमेगा क्या आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। सो हमें ये तो पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, जो कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, अब अगर हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ओमेगा स्क्वायर आर, यही पढ़ा था ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करते रहना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा, आर इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर, अल्फा इज हाउ मच, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज हुआ, इसमें रोटेशन का कंसेप्ट तो यूज ही नहीं हुआ, इस पूरे क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट यूज ही नहीं हुआ, बस यूज क्या हुआ, ये वाला इक्वेशन, जो कि आपने ये भी पढ़ ही रखा होगा सर्कुलर मोशन में, ये सब इक्वेशन भी पढ़ ही रखा है ना। तो मैंने इसीलिए बोला था ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड मिक्सचर ऑफ ऑल द चैप्टर्स व्हिच हैव स्टडी टिल नाउ इन मैकेनिक्स। ठीक है, ओके, ये चीज तो क्लियर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अ ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग रैप्ड ऑन अ डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस व्हिच इज फिक्स्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
एक डिस्क है जिसपे की कई सारी रस्सियां बांधी हुई हैं, लपेट लपेट कर उस रस्सी से एक ब्लॉक को लटकाया हुआ है, इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, डिस्क की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ओके गिवन। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एंगुलर स्पीड इज गिवन कितना है, 10 रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ी होगा, एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड इज 10 रेडियन पर सेकेंड एट सम इंस्टेंट, विथ व्हाट स्पीड इज द ब्लॉक गोइंग डाउन, तो ब्लॉक कितनी स्पीड से नीचे जाएगा। अब देखो यहां पर इस पॉइंट पर, जो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होगा डिस्क के, उसकी जितनी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ उतनी ही वेलोसिटी इस ब्लॉक की भी होगी नीचे की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो स्ट्रिंग की अगर हम इनएक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी को लगाएं तो जो पॉइंट की वेलोसिटी सर्कमफेरेंस पे होगी वही पॉइंट की वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। आर इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, ओमेगा इज हाउ मच, 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी किसकी, इस ब्लॉक की। खत्म। सर आपने वी इज इक्वल टू आर ओमेगा क्यों लगाया, क्योंकि बेटा अगर रिम पे कोई पॉइंट है और उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, खत्म, यही है क्वेश्चन। देख रहे हो रोटेशन को तुम लोग हार्ड कहते हो, दिस इज द बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर इसको समझ गए कोई भी क्वेश्चन रोटेशन की हार्ड नहीं लगेगी। मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस कमिंग अप लेक्चर्स में, आप देखना सब आपको, जो दुनिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है आपके लिए सब हलवा होगा। क्या होगा, हलवा। चलो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में रोटेशनल मोशन के, जिसका नाम है टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ, जैसे आप लोग बोलते हो ना गांव में दादाजी को अपने, ताऊ, उसी से आ गया ये वर्ड टाउ। ठीक है, और टाउ का सिंबल होता है ऐसा टेढ़ा, टी को ऐसे नशे में डाल दो, टी ऐसे दारू पी के ऐसे टेढ़ा हो गया। ठीक है, टॉर्क का सिंबल है टाउ। अब देखो टॉर्क इज वॉट, इट इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। मैंने आपको शुरू में रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते वक्त क्या बताया था, कि रोटेशनल मोशन में जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको हम कंपेयर कर सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन से। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स काम किया करता था रोटेशनल मोशन में, वो टॉर्क करेगा। वो सेम काम रोटेशनल मोशन में फोर्स के थ्रू टॉर्क करेगा। ठीक है, कैसे, तो देखो ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो कि ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन से एक रॉड ऐसे गया है। ठीक है, एक रॉड है जिसका एक हिस्सा ओरिजिन पे फिक्स है और दूसरा हिस्सा फ्री है। ठीक है, ओके। और अब हम ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको पकड़ के इस रॉड पर फोर्स लगा रहे हैं, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको पकड़ के इस रॉड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये ओरिजिन पे फिक्स्ड है, और ओरिजिन पे फिक्स्ड है तो ये जो फोर्स लग रहा है दूसरे हिस्से पे रॉड का, ये इसको रोटेट करवाएगा ऐसे। ऐसे हमने रॉड को पकड़ा हुआ है, ऐसे इसको रोटेट करवा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, मैंने दिखाने के लिए बता दिया था। अब देखो मान लो कि ये जो रॉड है ये एक वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ आर है। ठीक है, तो ये मान लो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है इस पोजीशन वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, यानी जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस, ये आ रही बात समझ। यानी इस रॉड का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहां से वो फिक्स्ड है, जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, वो पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ जो होगा उसको हम टॉर्क कहेंगे। और अगर टॉर्क का हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, और ये टॉर्क का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
यही है टॉर्क जिसका लोग इतना हवा बना कर रखते हैं, बहुत आसान। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि टॉर्क जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रखता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहां पर मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ठीक है, ये फोर्स ये ऐसे लग रहा है ना फोर्स, ठीक है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो मेरा थंब है वो आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, मेरा थंब जो है वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो स्क्रीन के बाहर जा रहा है इसका मतलब जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, इट इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे, इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए हम टॉर्क को एक्सियल वेक्टर कहते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, अब एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं इस फोर्स का, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर एफ साइन थीटा को मैं अलग कर दूं, तो एफ साइन थीटा क्या है, एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो क्या हम टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी लिख सकते हैं, आर इंटू एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और अगर मैं मान लो ये एंगल थीटा, ठीक है, यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ओरिजिन से अगर मैं इस डॉटेड लाइन पर यानी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये थीटा ये 90 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये जो होगा ये हो जाएगा क्या, आर कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है ये एंगल हो जाएगा आर साइन थीटा। देखो ये एंगल थीटा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा और ये इधर वाला कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा। तो मैं टॉर्क को ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ इनटू, देखो ये जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा, तो एफ इनटू आर साइन थीटा यानी क्या, आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज आर इनटू एफ परपेंडिकुलर और एफ इनटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स इसके करेंगे एक दो, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा टॉर्क के बारे में। ठीक है, अभी आर साइन थीटा क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो ये जो आर साइन थीटा है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी डिटरमाइंड, आउट विच टॉर्क इज टू बी डिटरमाइंड। तो ये अपना एक्सिस हो गया, यहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर साइन थीटा, तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, तो भाई यही तो परपेंडिकुलर है ना, आर साइन थीटा, इसीलिए आर परपेंडिकुलर लिख रहे हैं इसको। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस आर साइन थीटा, दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क का थियोरी। टॉर्क की थियोरी इतनी है दोस्त, देख लो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, कूल। अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये कर रहे हैं कि मान लो एक पेंडुलम है जो कि पॉइंट एस से सस्पेंडेड है। ठीक है, अब इस पेंडुलम को हमने हल्का सा फोर्स लगाया और ये ऐसे इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पेंडुलम खड़ा है, मतलब रुका है, ठीक है, और वो सर्टेन एंगल बना रहा है थीटा, और पेंडुलम के थ्रेड का जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, हमें निकालना है कि जो पेंडुलम पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा एम जी, उसका पॉइंट एस के अबाउट टॉर्क कितना है, यानी टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट पॉइंट एस, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो एम जी जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है टॉर्क से, टाउ ऑफ एम जी क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एल है, ठीक है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, अगर मैं इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को पीछे ले जाऊं, ठीक है, तो ये फोर्स का हमारे एम जी का लाइन ऑफ एक्शन, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, तो ये अगर हो गया ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, तो ये वाला क्या साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा एल साइन थीटा,
सो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का क्या है, एल साइन थीटा। तो फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, एल साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, एम जी एल साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉज करके देख लेना पिछले वाला क्वेश्चन, समझ आ जाएगा। अगर मान लो कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम यू वेलोसिटी से सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैराबोलिक पाथ फ्लो फॉलो करेगा, ठीक है। ये मान लो ओ है ओरिजिन, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, अब इस ग्रेविटी का फोर्स का टॉर्क कितना होगा अबाउट ओ, ये पूछा जा रहा है। ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क कितना होगा अबाउट ओ। तो अगर मैं ग्रेविटी के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को आगे करूं, ठीक है, और अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, तो यही वाला जो पार्ट है, ओप्स सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यही तो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, रेंज का आधा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा एम जी का, एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर क्या होगा, रेंज बाई टू। तो एम जी डिवाइड बाई टू, और रेंज क्या होता है हमें पता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना प्रोजेक्टाइल का रेंज। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। तो ये प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट पर ग्रेविटी के लगने वाले फोर्स के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट पॉइंट ओ, दैट मीन्स अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये दो मैंने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करवा दिए, ताकि जो मैंने आपको टॉर्क के फॉर्मूले बताए हैं जितने भी, बेसिकली है तो एक ही आर क्रॉस एफ, उसके अलग अलग वेरिएंट, वो आप यूज करना सीख जाओ और आपको उसकी बेसिक्स क्लियर हो जाए, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बेसिक्स क्लियर होता है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग और आगे बात करेंगे टॉर्क की, और इसके आगे एडवांस क्वेश्चंस इसके करेंगे, एडवांस फॉर्म्स इसके करेंगे, एंड देन आगे रोटेशनल मैकेनिक्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।